दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर कोई सेक्सुअल एडिक्शन या हवस किस हद तक किसी को बर्बाद कर सकता है? तो इसे समझने के लिए यो प्रिन ऑन पॉन किताब में ऑथर ये बताते हैं कि एक बार रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहां पर एक चूहे के सिर को एक इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया गया और उसे एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया गया जहां उसके सामने एक लिवर रखा गया। अब इससे हुआ ये कि जैसे ही वो चूहा उस लिवर को प्रेस करता था तो उसे इलेक्ट्रोड की मदद से इंस्टेंटली डोपामाइन का इंस्टेंट शॉट मिलता था जो उसे एक अद्भुत लेवल की हैप्पीनेस और प्लेजर फील करवाता था। अब इससे हुआ ये कि इस प्लेजर के चलते लिवर प्रेस करना चूहे की आदत बन गई और फिर जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि अब चूहा लिवर प्रेस करने से मिलने वाले प्लेजर का एडिक्टेड हो चुका है, तब रिसर्चर्स ने इस चूहे को एक दूसरे बॉक्स में रख दिया जहां लिवर तो था लेकिन इस लिवर तक पहुंचने के लिए चूहे को पहले कुछ वायर से होकर गुजरना पड़ता था जिससे चूहे को कई बार इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता था। लेकिन अब ये एडिक्शन और उससे मिलने वाला प्लेजर चूहे के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था कि वो इन इलेक्ट्रिक शॉक को झेलते हुए भी लिवर तक पहुंच जाता था। लेकिन वहीं जब चूहे के सामने इस लिवर के बजाय खाने को रख दिया जाता था तब वही चूहा उस खाने तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक के पेन को झेलने से डरता था। लेकिन जब बात प्लेजर और मजे की आती थी तब यही चूहा उस लिवर के तरफ तुरंत ही भागने के लिए दौड़ता था। यानी कि ये चूहा बिना खाए मरने के लिए तैयार था लेकिन अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जिसे कंक्लूड करते हुए रिसर्चर्स ने ये बताया कि असल में सेक्सुअल एडिक्शन इसी तरह से काम करता है, जहां पे हम सब भी ये अच्छे से जानते तो है कि इन सेक्सुअल चीजों का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन वही जब बात अपने गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क एंड एफर्ट करने की आती है तब सारी सच्चाई जानने के बाद भी हम उस चूहे की तरह ही कोई भी प्रोडक्टिव एक्शन नहीं लेते। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सेक्सुअल एक्टिविटीज इतनी खतरनाक एडिक्टेड क्यों बन जाती है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने ब्रेन की सेक्सुअल डिजायर को डिटॉक्स कर सके, और अगर हाँ तो वो आखिरकार कैसे होगा? तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बारीकी से बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने अंदर बसे इस हवस के राक्षस का पूरी तरह से सर्वनाश कर सकते हो, वो भी बस कुछ ही स्टेप में। तो इस सच्चाई को बारीकी से जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम सेक्सुअल डिटॉक्स के बारे में जानें, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हमारे अंदर ये सेक्सुअल डिजायर्स आती ही क्यों हैं। तो दोस्तों, कियाना रीव्स जो कि सेक्स एजुकेटर है और फ्लोरिया वेलनेस की चीफ ब्रांड एम्बेसडर भी है, उनका ये कहना है कि हम ह्यूमंस के बॉडी और ब्रेन के अंदर कई सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं और उन्ही में से एक न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामाइन, जो प्लेजर, रिवॉर्ड और ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग या लव हार्मोन्स भी कहा जाता है उससे वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अब जब आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचते हो या देखते हो तो इससे आपके ब्रेन में एक छोटा सा डोपामाइन का डोज मिलता है जिससे आपको प्लेजर फील होता है, एक तरह की खुशी मिलती है और इसके बाद आपके अंदर वापस फिर से सेम लेवल ऑफ प्लेजर को एक्सपीरियंस करने की जुल मचती है। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल साफ सुथरी दिखती है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आती। और इस पॉइंट पर कुछ लोग आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि भाई, अगर हमें कुछ करने से खुशी मिलती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात हुई ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ से ही ये सिंपल सी दिखने वाली स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट है कोलिज इफेक्ट। अब इस कोलिज इफेक्ट को हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझ सकते हैं। तो एक बार हुआ कुछ यूं कि कुछ रिसर्चर्स ने एक मेल चूहे को फीमेल चूहे के साथ एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब शुरुआत में तो मेल चूहे के ब्रेन को फीमेल चूहे को देखते ही डोपामाइन की एक हैवी डोज मिली और वो तुरंत ही सेक्सुअल एक्टिविटी करने में एंगेज हो गया। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि हर एक इंटीमेसी के बाद मेल चूहे को वापस से सेम लेवल ऑफ डोपामाइन को हासिल करने की चुल मचने लगी। लेकिन इस बार एक्ट ऑफ इंटीमेसी से उसके ब्रेन में रिलीज हुए डोपामाइन का लेवल पिछले बार के मुकाबले में कम था और धीरे धीरे ये लेवल कम होता गया और एक समय के बाद चूहे को इंटीमेसी से प्लेजर मिलना ही बंद हो गया। यानी कि सेम काम को बार बार करने से अब चूहे को पहले जैसा मजा आना बंद हो गया। और ऐसा ही कुछ हम ह्यूमंस के साथ भी होता है कि जहां एक समय पर बस एक सेक्सुअल फोटोज भी डोपामाइन के डोज और प्लेजर के लिए काफी होता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो फोटोज जो हमें पहले वाला डोपामाइन प्रोवाइड करती थी वो हमारे लिए अब इनफ नहीं होता और फिर हम और ज्यादा हाई लेवल के पॉर्न वीडियोस कंज्यूम करने लगते हैं। लेकिन एक समय के बाद हमारा ब्रेन इस हाई लेवल के डोपामाइन से धीरे धीरे बोर होने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने घंटों एक ऐसी वीडियो को तलाश करने में बर्बाद कर दिए जो हमें पहले जैसे हाई लेवल ऑफ डोपामाइन का प्लेजर दे सके। और इसी तरह से लोग धीरे धीरे एडिक्शन के शिकार होते जाते हैं। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये एडिक्शन हमारे लाइफ में भला क्या इम्पैक्ट डालता है? तो दोस्तों, अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा अपने ब्रेन के
फंक्शनिंग को समझना होगा कि आखिर हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारे ब्रेन के अंदर कई सारे नर्वस सेल्स होते हैं और जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है तब ये डोपामाइन कई सारे नर्वस सेल से होकर गुजरता है जिससे कि हम प्लेजर और हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने एडिक्शन के इस मायाजाल में फंस कर बार बार सेक्सुअल एक्टिविटीज करते ही रहते हो तब आपके ब्रेन में बार बार हाई लेवल का डोपामाइन प्रोड्यूस होता है और जब ये हाई लेवल का डोपामाइन लगातार आपके ब्रेन के नर्वस सेल से होकर बीच में से ट्रांसफर होता रहता है तो इसकी वजह से सेल रिसेप्टर्स खराब होने लगते हैं या यूं कहें कि वो जल जाते हैं। अब जिन्हें नहीं पता कि आखिर ये सेल्स रिसेप्टर होते क्या है तो उन्हें मैं बता दूं कि असल में ये रिसेप्टर ही होते हैं जो डोपामाइन केमिकल को दो सेल्स के बीच में ट्रांसफर होने में मदद करते हैं जस्ट लाइक अ पाइपलाइन। और जब ये रिसेप्टर्स खराब होने लगते हैं तब हमें प्लेजर या हैप्पीनेस फील होना ही बंद हो जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन में डोपामाइन प्रोड्यूस तो होता है लेकिन हमारे नर्वस सेल्स रिसेप्टर खराब हो जाने के कारण ये डोपामाइन केमिकल नर्वस सेल से सही से फ्लो ही नहीं कर पाता और ये सेल्स खराब हो जाने के कारण हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ भी कनेक्शन कमजोर हो जाता है जिससे कि हमारी सोचने समझने की शक्ति भी अब पूरी तरह से खत्म होने लगती है जिसके बाद शुरू होता है मेन प्रॉब्लम और वो ये है कि ऐसे स्टेट में इंसान ज्यादा से ज्यादा हाई डोपामाइन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि उसे वो पहले वाला प्लेजर और हैप्पीनेस फिर से मिल सके और इसके चक्कर में ये बेचारे अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जिससे होता ये है कि जब हम अपने डेली लाइफ में कुछ भी काम करते हैं फिर चाहे वो स्टडी करना हो या फिर हमारी लाइफ की ग्रोथ से रिलेटेड कोई काम करना हो तब हमें एक्चुअली में वो काम करने में कोई भी मोटिवेशन फील ही नहीं होता। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमें उस काम से डोपामाइन तो मिलता है लेकिन उस अमाउंट ऑफ डोपामाइन से हमारे ब्रेन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तक हमारे ब्रेन को हाई लेवल का डोपामाइन की आदत लग चुकी होती है इसलिए अब हम चाहकर भी लो डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले कामों को कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है तो अभी हम ये समझते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की माने तो हम ह्यूमंस को अराउंड 90 डेज का समय लगता है अपने सेल रिसेप्टर को वापस से ठीक करने में या यूं कहे कि किसी भी एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस 90 डेज तक सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना है जिसके बाद हमारा ब्रेन खुद से ही रिसेट हो जाएगा। जैसे कि मुझे याद है कि बचपन में मुझे हरी सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे अक्सर चटपटी चीजें खाना ही पसंद था लेकिन इस बीच में मुझे जॉन्डिस हो गया जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे चटपटी चीजें खाना बिल्कुल भी मना कर दिया और एक महीने तक सिर्फ उबली हुई हरी सब्जी और नॉर्मल खिचड़ी खाने को कहा। अब यहाँ पे हरी सब्जियां तो मुझे पसंद नहीं थी इसलिए मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया और जो खिचड़ी भी मुझे दी जाती थी वो भी बिना कोई स्पाइस के सिर्फ नमक डाल के ही दी जाती थी और मैं वही खा लेता था। लेकिन करीब करीब एक महीने के बाद मैं हर रोज खिचड़ी खाकर परेशान हो गया था और थक हार कर मैंने अपने मुंह का टेस्ट बदलने के लिए एक दिन के लिए बस हरी सब्जी खाने के लिए सोचा। अब इससे हुआ ये कि मैंने इतने दिनों से कुछ भी चटपटी चीज नहीं खाई थी इसलिए मेरे दिमाग को चटपटी चीजों का टेस्ट तक याद नहीं जिसकी वजह से ही मेरे दिमाग का डोपामाइन लेवल काफी नॉर्मल हो गया था और जब मैंने हरी सब्जी को पहली बार खाया तो इससे मेरे दिमाग को नया डोपामाइन का डोज मिला क्योंकि इस पॉइंट पर हरी सब्जी का टेस्ट भले ही उतना चटपटा नहीं था लेकिन वो खिचड़ी के टेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर था। इसलिए उस समय से ही हरी सब्जियां मेरी फेवरेट बन गई और मेरी चटपटी चीजें खाने की आदत बिल्कुल पूरी तरह से छूट गई। अब ये मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट हमें डिटॉक्स के बारे में काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे हम इस डोपामाइन फास्टिंग करके हम अपने किसी भी एडिक्शन के इस मायाजाल से बाहर आ सकते हैं। अब अगर मैं इसे थोड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूं तो जब आप कुछ समय तक अपने ब्रेन को हाई डोपामाइन देना बंद कर देते हो तो इससे आपका दिमाग खुद ही रिवायर होना शुरू हो जाता है यानी कि वो पहले जैसा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है जो कि एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। और यही वजह है कि हमारे हिंदू शास्त्र और पुराणों में हजारों सालों से उपवास और व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है जो हमें हफ्ते में एक दिन उपवास यानी कि फास्टिंग के माध्यम से सारी प्लेजर एंड उत्तेजना देने वाली चीजों से दूर रहकर अपने मन को सिर्फ भगवान की भक्ति करने में लीन होने की बात सिखाता है जो एक्चुअली में हमारे ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर को ठीक करके हमारे ब्रेन को पहले जैसा नेचुरल बनाता है जिसे आज मॉडर्न साइंस डोपामाइन फास्टिंग भी कहती है। लेकिन अगर इस फास्टिंग के दौरान आपको अचानक से कोई सेक्सुअल थॉट्स आ गया और आपको उसे इंस्टेंटली खत्म करना है तो आप तुरंत ही वर्कआउट का सहारा ले सकते हो। जैसे कि एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जहां 38 मैन एंड वुमन जो सभी एडिक्टेड थे उन्हें जब भी पॉर्न देखने की या किसी भी तरह के हवस की चुल मचती थी तब उन्हें तुरंत ही 20 पुशअप एंड 10 सिटअप्स करवाए जाते थे जिससे कि उनकी बॉडी पूरी तरह से पसीने से तर बतर हो जाती थी और उनके सोए हुए नर्वस सेल्स तुरंत ही जाग जाते थे और उनका सेक्सुअल थॉट्स वहीं पे खत्म हो जाता था जिसका नतीजा ये आया कि उनके ब्रेन की पॉर्न एंड सेक्स को उत्तेजित करने वाले न्यूरल सर्किट्स अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी और वो कुछ ही दिन में इस एडिक्शन से बाहर निकल पाए।
सिमिलरली आप कोल्ड शावर भी ले सकते हो जिससे आपके बॉडी में बीटा एंड्रोफिन की लेवल तुरंत ही बढ़ जाती है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस को रिलीज कर देती है। साथ ही ये आपके डोपामाइन रिसेप्टर को भी ठीक करने में मदद करता है जिससे कि आपका सेक्सुअल थॉट्स वहीं पे खत्म हो जाएगा। वहीं लास्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है मेडिटेशन। अब दोस्तों डेस्परो डेस नाम के साइंटिस्ट ने 2012 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना सिखाया जिन्होंने आज से पहले कभी मेडिटेशन नहीं किया था और उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को उन्होंने fMRI स्कैन की मदद से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें ये साफ साफ पता चला कि जिन लोगों को मेडिटेशन सीखने से पहले कोई भी इमोशनल या सेक्सुअल इमेज या वीडियो दिखाया जाता था तो तब उनके ब्रेन का एमिग्डाला एक ज्वालामुखी की तरह जलने लगता था। लेकिन इन्हीं लोगों को 8 हफ्ते तक मेडिटेशन सिखाने के बाद अब जब फिर से उन्हें सेम उसी तरह के सेक्सुअल वीडियोस एंड इमेजेस दिखाई गई तो उनके ब्रेन का एमिग्डाला बिल्कुल शांत और नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था। यानी कि सिर्फ 8 हफ्ते के मेडिटेशन से ही मैक्सिमम लोगों ने अपने ब्रेन को मैक्सिमम लेवल पे शुद्ध कर लिया था। ठीक इसी तरह आप भी अपने ब्रेन को 100% डिटॉक्स कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ना है तो इसके लिए आप हमारे ये वीडियो जरूर से देख सकते हो और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें जरूर से दिखाइए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।